आपका शुभ नाम? रॉकी यादव। सर्वप्रथम मैं नीट की सफलता के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। थैंक यू। आपकी रैंक क्या है? 438। इस सफलता के लिए आप किस किन लोगों को अपना श्रेय देना चाहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल सबको स्टेज देना चाहूँ, क्योंकि सब लोगों ने, जितने लोग मुझसे कनेक्टेड थे, सब मेरे साथ स्टैंड लेते थे हमेशा, चाहे वो बुरा वक्त हो, अच्छा वक्त हो, खुशी का हो, दुख का हो, हर समय। और उसमें मेरी फैमिली इंक्लूडेड है, सारे गुरुकुल के स्टाफ, फैकल्टीज़, और यहाँ तक कि मेरे फ्रेंड्स, जिन्होंने मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हाँ कि आप दूसरे हैं। क्योंकि आप कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जो अपने फैमिली मेम्बर्स को नहीं शेयर कर सकते, लेकिन फ्रेंड के साथ, यहाँ पर टीचर्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं वो चीज़। इस दौरान आपके बहुत सी कठिनाइयाँ भी आई होंगी तैयारी करने के वक्त, क्योंकि अगर आप एक मेडिकल एस्पिरेंट हैं तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सबके लाइफ में कि 100% खुशी हो। दिक्कत होना ही सबसे अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि अगर दिक्कत नहीं होगी तो आप किसी मुकाम को नहीं पा सकते हैं। और ऐसा अगर कोई भी एक्सेप्शन परफेक्ट नहीं, इसके बाद वो होना वो सबके साथ वही होता है, मेरे साथ भी था, दिक्कत थी, लेकिन उसके साथ टैकल करना सबसे अच्छी बात होती है। चलिए, बहुत धन्यवाद। और आने आने वाले बच्चों के लिए आप क्या अपनी तरफ से कहना चाहेंगे? मैं उन्हें बस दो सजेशन देना चाहूँगा कि आप एक फर्स्ट NCERT पे पूरे फोकस्ड रहें। अगर आप एक्स्ट्रा नोट्स पढ़ रहे हैं तो मतलब आप नीट से बाहर ही जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप 2 साल का पेपर उठा देख लें जो स्टैंडर्ड रह चुका है, तो इससे अब एक्सपेक्ट है कि मतलब अगले कट ऑफ बढ़ भी सकता है और बढ़ेगा ही। अगर आप NCERT से बाहर जा रहे हैं, मतलब आप नीट से बाहर जा रहे हैं, और उसके बाद आप कहते हैं जितनी क्लासेस चलती हैं उनके नोट्स को पढ़िए, लेकिन उस पर 100% डिपेंडेंट मत रहिए, उसको आप रेगुलरली पढ़िए बस, लेकिन डिपेंडेंट बस NCERT पे होइए। और उसके बाद अगर आप कहते हैं नीट, यहाँ पर ETS होता है, तो अगर आप टेस्ट रेगुलरली दे रहे हैं तो एक अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसको घर पे जाके दोबारा उसको मतलब पढ़ नहीं रहे हैं, गलतियाँ आप नहीं देख रहे हैं और किस पॉइंट्स पे गलती हो रही है, क्या किस आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, जैसे सिली मिस्टेक हो गई या फिर कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो गई, उनको आप माइंड नहीं कर रहे हैं, और किस लाइन से क्वेश्चन उठाए वो मैंने लाइन्स पढ़ी ही नहीं थी, अगर आप उनको नहीं ध्यान दे रहे हैं तो आपको ETS देने का कोई फ़ायदा नहीं है। बस आपका एक टाइम मैनेजमेंट हो सकता है उससे। अगर आप घर पर सारे काम कर रहे हैं तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो रहा है, आपको कहते हैं नर्वसनेस से भी अच्छी फीलिंग हो रही है कि नर्वस आप नहीं होंगे एग्ज़ाम में, क्योंकि अगर देखिए लास्ट में जब कहते हैं एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी, एग्ज़ाम से 10 दिन पहले, 1 महीने पहले, आपके माइंड्स में ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं, पॉजिटिव थॉट्स आते हैं कि हाँ मैं इस कॉलेज में चले गया, नेगेटिव थॉट्स ये भी आते हैं कि अगर नहीं हुआ तो, बहुत लोग कहते हैं बहुत ही नेगेटिव थॉट्स सोचते हैं, कि इतने नेगेटिव सोच लेते हैं कि मतलब उससे डिप्रेस हो जाते हैं। लेकिन अगर आप डिप्रेस हो रहे हैं, अगर उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वो सबसे बड़ी डिप्रेशन होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू।